जा रही हूँ, जा रही हूँ। ऐसे कहेगी जाके, ऐसे कहूँगी जैसे तुमने कहा, जैसे मैं कह दूंगी जाके। बहुत जल्दी आना वाली। शायद हुआ। आ चल दो दो हाथ भाषा के हो जाए। आप क्या डालेंगे? हमारी छह। आपकी कौन सा? अरे हमारी आज कुछ भी रख लीजिए। आपकी छह, आपकी ना, हमारी पो। चल डन। चलो ऐसी शतरंज खेल है, खेल खिलाड़ी ऐसी शतरंज खेल। ये संत महात्माओं का बगीचा है, यहाँ पे उतनिया बुतनिया का कोई काम नहीं। और फिर यहाँ पर स्त्री जात आ ही नहीं सकती, क्योंकि हम लोग दोनों भाई बाल ब्रह्मचारी। हम ब्रह्मचारी नहीं है। तू नहीं ब्रह्मचारी है, इसलिए आई होगी। ऐसी सतरंग खेलो, खेल खिलाड़ी ऐसी सतरंग खेलो, खेल खिलाड़ी। चुड़ैल नहीं है, चुड़ैल है। जाओ देखो कौन है, ये कौन रात के 12 बजे। ये भयानक आवाज से तू डर रहा है? जाओ, अब की बार अगर चुही आवाज आए कि कुमार साहब में आई तो तुम भी कह देना कि मैं भी आया। अगर वो कहे आए तो हम भी कहने आए। इसमें खतरा है, खुद घुस जाएगी। हम इधर से मोटी, इधर से ज्यादा ताकत लगाएगी। जा जल्दी से, देख ये कौन हमारे। कुमार साहब मैं आई, साधुओं को खा। ए उधर, हाय, खोल के दिखा। क्या खोल के दिखा? उल्टे सीधे तुम्हें क्या पाए साले, इतना मारेंगे कि तुम्हें चिल्लाएंगे। आ क्या आगे जाने बतरी आई। अरे तो बतरी नहीं पड़ती राई। क्या बात ये बता, कुमार साहब कहाँ है? हमसे काम ले लो आज। ए तुम तो नहीं लेंगे? अरे पूरा काम होगा। मैं कुमार साहब को बुलवाई है। नहीं हमसे मिल ले। नहीं सही है काम। चलिए इधर भी आई। अरे इधर आई। ऐप छे आई हम से दुआ बच्चा कर दूंगा। आप रुकिए, कुमार साहब पूछ के आएंगे तो बुलवा जाएंगे। अच्छा कुमार साहब, मेहरों से मेहनत से गायब हुई है। क्या जाओ उसको लेके आइए। ठीक है आइए। हाँ आई लव यू ये आई है। पहली बात तो बांधी कि हमारा संत महात्माओं का ये बगीचा है, इस बगीचे में आज के बाद कभी रात में आने की जरूरत नहीं करना। अरे भाई साहब, इसमें नाराज होने की क्या बात है, कोई खास बात होगी। और दूसरी बात, ये कैसे आई है? रत्ता रत्ता महाराज, एक बात बता दो, आपकी मौसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और आपको दरबार में बुलाया है, इसलिए मैं आई हूँ। वैसे नहीं आती मैं आपके। हमारी मौसी ने बुलाया? बहुत जल्दी आप चलिए, बहुत तबीयत खराब है। क्या बात, क्या पेट में दर्द हो रहा है? और बांदी की सुनता आज तक के छोटा और शबर करार मुझसे पक मनीष पक। अरे भैया हमें नहीं सुहावे साल, अब नहीं साल खेलेंगे हम। दम दम पर दम और मेरी तबीयत गम में गोते खाती। एक तो सख्त तरत ये बांधी मेरी मौसी के बतलाती है महताब भैया, और मेरी दूसरी बाई आग भी भड़क रही है भाई। दोयम भाइया और फलक की कुशल न दिखला। सोच में जान पड़ी है
आफत हुई खड़ी है और मैं जाकर देखूं मौसी को। भैया ऐसी क्या मर्जी, आजा बानी चल। ओके भाई साहब, एक बात पूछूं। कहिए। कभी आपको पहले भी बुलवाया था मौसी? पहले मौसियां थी कहां जो मैं बुलवाती? नहीं मतलब इस वक्त टाइम क्या हो रहा है? रात के 12 बज रहे हैं भाई साहब। वैसे आप कुमार साहब हैं लेकिन थोड़ी हमारी भी बात मान लो। कहिए, हमने आपको अपना यार अपना भाई समझा है। और तनक तसल्ली कीजिए मेरे भाई, आप दो सब्र करा। नहीं सब्र होता हमें। आज ऊंच नीच का मेहमान, अरे तुम कर लो जरा तो। इसमें विचार करने की क्या बात है? ठहर होना होने दीजिए, मां बाप के पास जाने में कोई क्या ना बैंक कर रहा है। जाना तो जाना। आज तुम कर लो जरा विचार। आजा यार, क्यों इतना घबराता है? आने की बात ही है यार। अरे मुझे यार मेल मौसी के मुझे कुछ शुभ नजर आ। वो मेरी माँ है, मेरी मौसी है, उसके महलों में जाने से क्या शुभ? भाई साहब यही तो बात है कि इस टाइम घड़ी में क्या 12 बज रहे हैं। एक बात कहे आपसे, आपने तो वो बात कही थी जो हमें बहुत बुरी लग गई भैया। अरे यार नहीं जाना चाहिए मेरे भैया, चतुर को क्या समझाई ये वे। साहब वहां पर इस टाइम आपको बुलाने का हमें कुछ एक बात कहे आपसे, आपने इतनी बुरी बात कह दी कि हमको मुझे भैया मुझे संदेह यही है कि वहां महाराज मौजूद फिर भी तुम्हें बुलाए। ठीक है पिताजी, वाकई मौजूद है, माना कि पिताजी मौजूद है, लेकिन मौसी हमको बुला रही है। मौसी का हमारा प्यार ही कुछ और, माँ बेटे का प्यार ही कुछ और होता है। तेरी बात मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे वाह भैया, और बेहूदी बातें करे और तू बजा रहा है गान, और बेवकूफ की दोस्ती तो हो जी का जंजाल, जंजाल जी का हो बिलासक, और जी दोस्ती नादान की तेरी कम अकल और ओची नसल मेरी अकल हैरान की। आज मालूम हुआ कि सोबत किसी ने सची कहा है कि सोबत शरीफों की तो दानिश और वर्त कुछ दिखलाएगा, लेकिन तो कुम तासीर और ये तेरा जाति असर कहां जाएगा। बक बक न कर और बस बैठ चुप, मैं खाली बहस ठानूं नहीं और जाऊंगा मानूं नहीं। चल बादी, एक बात पूछूं। चले तो जाना आप, लेकिन एक बात हमारी बताओ। और जाओ दिल से मौसी तेरी, मेरा भैया क्या है आई यार, और बतला और तुझको आज तक आज बुलवाया के देखिए। हमारे पास फालतू वक्त के लिए, फालतू बातों के लिए कोई वक्त नहीं है। ठीक है, हमारी मौसी की अभी शादी होके आई है, अभी अगर उसने हमको बुलवाया तो इसमें कुछ नहीं, हम जाएंगे तो जाएंगे। भैया बुलवाया
के बार प्यार कर गोद बिठाया कब कब वो तो कभी नहीं और पंखा लेकर प्यार डोर कर और तुझे जिमाया ऐसा तो फिर कभी नहीं किया भाई मौसी ने। यार नहीं जाना चाहिए मेरे भैया चतुर को क्या समझिए भैया मुझे संदेह यही है कि वह महाराज मौजूद फिर भी तुम्हें बुलाए बेशक हो मौजूद घर पितर मेरे गमखार मगर मामसी का बड़ा दिखे मुझ पर प्यार दिखे मुझ पर प्यार सबब जो हमें बुलाती दिखे और मेरे देखने को उसकी तबीयत घबराती दिखे अगर ना जाऊं यार तो अगर ना जाऊं यार तो बुराई मुझ पर आती दिखे और बीमारी ये सब मेरी मुसीबत मौसी पाती दिखे। अच्छा चल बांदी अच्छी भैया मान जाओ अभी मैं दानाई को छोड़ के बने मती नादान और चीख सामने से हुई मेरा मान कहा मान माने नगर मेरा कहा उस वक्त बहुत पछताएगा पछताने दो और गिरता है तेगा बयान से असगुल न खाली जाएगा मुझको कुशल दिखे नहीं वहां जाके तू खतरा खाएगा खाने दो और मत जा महल तू मत जा महल पछताएगा फिर वही बात बेहोती बातें करे बजा रहा है गाल और बेवकूफ की दोस्ती हो जी का चल बांदी चलिए और किया मैंने तुझको और किया मैंने तुझको उस प्रभु के हवाले जाने वाले ओ जाने देख रहा हूं कि हमारी मौसी जी बहुत ही
खुश मिजाज नजर आ रही हैं, चेहरे पे कोई मलकियत भी नहीं है, मुस्कुराहट है, यहां तो कोई बीमारी का जिक्र नहीं है। क्या वाकई हमारे यार ने जो हमसे कहा वो सच था? मौसी जी के चरणों में दास का प्रणाम स्वीकार। पूरन मल, आप किसकी इच्छा करते हैं? अरे हम तो बस भगवान का ही ध्यान करते हैं। अरे तुम्हें हमारा ध्यान नहीं है भाई, हमारा भी ध्यान कर लो। आप हमारी मौसी हैं, हमारी माँ है, आपका पूरा पूरा ध्यान है। कैसी मौसी? क्यों अब कैसी मौसी, कहाँ की मौसी? अरे कहाँ की मौसी, मेरे यहाँ मौसी उसी कोई नहीं कहता है। क्या कहते हैं तुम्हारे यहाँ मौसी को, क्या कहते हैं? तुम्हारा नाम पूरन है? जी हाँ। तो हमारा भी कोई इच्छा पूरन कर दो। आपकी इच्छा पूरी? हाँ। आपकी इच्छा पूरी करने वाला पार ब्रह्म परमेश्वर है, और अगर आपके वैसी कोई इच्छा हो पिताजी को महलों से। मैं तो आपसे ही कह रही मेरी इच्छा पूरन कर दो ना। पिताजी को महलों से बुलवा लीजिए। नहीं, और बांदी ने जाकर कहा कि तेरी है मौसी बीमार, उसी वक्त बस चल दिया मैया राना सबरी। धोखा दिया और करी क्या मेरी अजमा इसे। ये क्या है? और क्यों ये धोखा दिया, करी क्या तूने मेरी अजमा इसे है। हूं फरमा बरदार, कहो मौसी क्या फरमा। बीमारी का कोई तो जिक्र है, उसकी कौन सी गलती, उसने क्या किया? मैं जा रहा हूं। आबो जी लाबो यहां, पर क्या पर तशरीफ है तो इस दबाव का, कहो मिजाजी जी है। ऐसा कीजिए आप हमें जाने दीजिए मौसी जी। ऐसे नहीं जाने दूंगी। और कैसे जाने देंगी? मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ ना, और आप ऐसे चले जाए, ये कैसी मोहब्बत है? नहीं जानते हो, माँ तो अपने बच्चे को प्यार से गोद में बैठाती है। कैसी माँ, किसकी माँ? और ये आपका मोहब्बत करने का हमारे अंदाज ही नहीं समझ मारा, आप कौन हिसाब से हमसे मोहब्बत कर रहे हैं? ये प्यार है, प्यार। देखिए मौसी जी, हम जाना चाहते हैं, हमें जाने दीजिए। अच्छा मेरी छोटी सी बेदनी सुन लो। बेदनी? हाँ हाँ। बेद? आपका बेद खत्म हो गया है? अरे हमारा तो बेद बाकी है, हम किसको बेद सुनाएं? पहले मेरी बेदनी सुन लीजिए। सुनोगे? सुनाइए। और मेरी मां ने कही चल खटिया बलम बिछा।
ही नहीं, चाहे लाखों करोड़ों और तरह से कहो मैया ना तेरे पलंग पर गवाही। सिवा इसके बराबर मर्ज ही नहीं, और जो गरज है तेरी तो अरज है मेरी। मौसी जो गरज है तेरी तो अरज है मेरी, इन मरीजों की मुझ पे और गवाही नहीं। बीमार है बुलबाई
छोकियों तेने प्यार है। क्या हो गया? और होगा फजर सो देख लूं, मालिक और रक्षक मेरा भगवान है। मौसी ईमान जिन और साबित रखा, मेरे वो ही बचावे प्राण है। मौसी मेरी राम राम, मौसी मेरी कोई कहता है कि हम ताजमहल बनवाएंगे, कोई कहता है कि हम बादशाह बन जाएंगे। मौसी मेरी राम राम, मौसी मेरी बादी। क्या बात? अरे भाई तुमने बुलाया था, मैंने आपके लिए पास लगा। अरे कुछ भी तो नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ? नहीं। फिर क्या करा आपने? क्या करा? अरे दो ढाई घंटे हो गए, क्या कुछ करा कि नहीं? वो चला गया, कुछ भी नहीं हुआ है बादी। अरे अब क्या होना चाहिए? अब क्या जाओ तुम महाराज को बुला के ला जाके। अभी ले अच्छे जाते हैं महाराज की जय जयकार हो। कहिए आपकी रानी की तबीयत ज्यादा खराब है? हमारी रानी की तबीयत? हाँ छोटी वाली जी। आप ही सही। ज्यादा तबीयत खराब है? अरे मरी भैया। अरे डॉक्टर साहब को बुलाओ। क्या हो गया? डॉक्टर साहब बुलाओ। हाँ। अरे भाई डॉक्टर साहब। अरे मरी भैया। अरे ला आइए। कौन है? आए। मैं बांधी हूँ। अभी मैं सोर में हूँ। आए। अभी मैं सोर में हूँ। अरे आइए तो। कंप्यूटर।
महाराज लो बांध पकड़ लो ये डिबिया, ये मैं पकड़ लो। मानी मानी हाँ आप लोग हंस रहे हो, मानी इनका पेटीकोट खोली, आप लोग हंस रहे हो। महाराज भी मान अरे कंप्यूटर कंप्यूटर हमारा वो कपड़ा रुई लाई रुई रखी वो ना कह रहे चलिए आप महाराज की मान इनको करो डिलवाइए, गोड़ धर करो पिछाई इधर करो, इनका पेट गोट खोलिए। खोल दिया। अरे खोल दिया हाँ। थोड़ा पेट गोट नीचे करो, लो लो खोल माहिर को दांती बंद कर ले, आंखें खोल ले। महारानी वो दर्द कम हो अभी लगा रुक जाइए हाथ पकड़िए खराब आ रहा है बस खत्म है, लो रगड़ दो नहीं भोरा बन जाएगा। महाराज कहिए बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या क्या बताए, हम सो रहे दांत लगा दी हम एकदम चले आए, महाराज के भैंसे वाला जैसा लग गया। क्या भैंसे वाला जैसा लग गया भाई हमारे गली धो रहे नहीं रुक जाइए, गोली मेरे पास हम ठीक हो जाएंगे। ये लीजिए लो लो पैदा की दो गोली, एक तुम खा रहे हमारे दे दोनों लोग ठीक हो जाओगे। निकल जाओ जा रहे हो डबल है ले कंप्यूटर ले जाके और क्यों प्यारी भक होगा और तेरे सब चेहरे का रंग और कौन सबब कुमला गया प्यारी गुल गुलाब सा। कौन आया था तुम्हारे डेंग महाराज हाँ हाँ पूरे
में आया था जी यार। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मेरा दिमाग खराब हो गया? हमारा पूरनबल बेटा इतना जति है, कभी किसी भी औरत के, अरे आया होगा तो मौसी समझ के आया होगा। विश्वास करो महाराज, हम ऐसे विश्वास नहीं करती हूँ, कभी विश्वास नहीं कर सकता हूँ। कोई गवाह है तुम्हारे पास? मैं आपको कोई सबूत दिखाए? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। जरा पहचानी तो, अरे कर लो पिया ये फेटा कटारी। लगती थी क्या रिश्ते में तेरे, और सोया तू जिसके सामने। कमबख्त मुझको ये बता मौसी क्या अंतरमात्मा में। गुरु गोरखी साची मेरा, और मौसी धर्म की मात है। बद फेल की तो क्या चली, पिताजी छुआ न मैंने हाथ है। मौसी को देख के बद नजर, और वो बड़ा बदकार है। उसको प्रभु के यहाँ दो जख रहे तैयार है। पिताजी गुरु गोरख साक्षी मेरा, और मौसी धर्म की मात है। और मातर पितर दुश्मन बने तो पेश किसी की जात है। जिसके माँ और पिता ही उसके औलाद के दुश्मन बन जाएंगे, पिताजी उसे बचाने वाला दुनिया में कोई। और पाजी क्या काम करूं तुझसे तेरी तथ्य
जब ये नजीर है, जरूरत है क्या इसराब की, खुद में खुद कैफियत सब खुल गई इंसाफ की। अगर तू गया नहीं तो बिना तेरे इस तेरी फेटा कटारी को फरिश्ते ले गया। गुलशन बांदी भेज कर और लिया हमें बुलबाह, और मौसी ने दिना हम पे ये इल्जाम लगाए। इल्जाम और साबित हो गया, ये क्या गजब की बात है। गुरु गोरख साक्षी मेरा और छुआ ना मैंने हाथ है। लेकिन पिताजी, और पिताजी अब मैंने जानी, पिताजी अब मौत मेरे सिर पे गाजी, मौसी को राजी करिए आप पिताजी। ऐ दल्लाल, इसे छोटी रानी महल के सामने सूली चढ़ा देना। ठीक, जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत अच्छे, आइए। महाराज तैयार हो जाओ। और बना के क्यों बिगाड़े, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। आपका चेला पुणे में ले गुरुदेव। क्या कहा?
तुम्हें कितने बार रोके भैया, बताइए हमें पहले। कितना बढ़िया भैया बता मरो जात तो। कि भैया हमने आपसे पहले ही कहा था गुरुजी कि हम उन महलों में नहीं बल्कि आपके पास इन्हीं जंगलों में अच्छे हैं। देखा ना महलों में भेजने का नतीजा। चलो खैर कोई बात नहीं, महलों में क्या हो गया भैया? हमारी मौसी जी ने हम पे झूठा और गलत इल्जाम लगा के पिताजी से कह के हमको फांसी का हुक्म दिलवा दिया। गुरुजी इनकी मौसी कुतिया बना दे हम। अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ बताई हुक्म करिए। नहीं 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 छोड़ दो, अपनी करनी खुद ही भरेगी। चलो बेटा, चलो बेटा हमारे साथ। राम सिया राम।